सुबह करीब 3:30 बजे एक तेंदुआ सावली से 7 किलोमीटर दूर उसे गांव स्थित भगवान आवारी के घर में घुस गया। घर में 4 लोग सो रहे थे। सिंधुबाई सुबह उठकर पेशाब के लिए गई, तब उसे एहसास हुआ कि खटिया के नीचे कुछ था। उठने की कोशिश करते हुए सिंधुबाई ने घर में एक तेंदुआ देखा। बाई की तेंदुए से हाथापाई हुई और अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकल गई। तेंदुआ घर में घुसने की बात पता चलने के बाद गांव वालों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना सावली वन विभाग को दी गई। उसके बाद सावली के वन रेंजर चौधरी ने निरीक्षण किया। वन विभाग की टीम और इको प्रो की टीम आज सुबह 8 बजे मौके पर पहुंची। सुरक्षा में सावली के थानेदार आशीष बोरकर, संभागीय वन अधिकारी चंद्रपुर के प्रशांत खाड़े, सावली के वन परिक्षेत्र अधिकारी वसंत कामडी और इको प्रो अध्यक्ष बंडू धोत्रे और वन विभाग के कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। वन विभाग ने तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया है। तेंदुए को पकड़ने के बाद गांव वालों ने चैन की सांस ली। तुम्हाला कसं कळलं हा बिबट्या आहे म्हणून? मग उठवले बापाला पोर, मग बिबट्या आहे म्हणले, मग दरवाजा बंद केले। वन परिक्षेत्र सावली अंतर्गत कुसेगाव या गावामध्ये आम्हाला बिबटचं पिल्लू एका घरामध्ये, ज्याचं काम चालू आहे अशा घरामध्ये अडकून पडलेलं आम्हाला निदर्शनास आलं। आम्हाला तशी माहिती मिळाली, मग लगेच चंद्रपूरची RRU टीम, वन परिक्षेत्र अधिकारी सावली आणि पूर्ण चमू हे या ठिकाणी येऊन तत्काळ पिंजरा लावण्यात आला। पिंजरा लावण्यात आल्यानंतर 5-10 मिनिटातच ते जे बिबटचं पिल्लू होतं ते पिल्लू लगेच जेरबंद करण्यात आलेलं आहे आणि आता ते सध्या वन विभागाच्या ताब्यामध्ये आहे। जसा त्याला मोकळ्या आदिवासामध्ये काही कालावधीनंतर ते पिल्लू शांत झाल्यानंतर त्याला मोकळ्या आदिवासामध्ये सोडण्यात आलं।